हे बड़ी, तो इंस्टाग्राम पे अभी एक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में एक वीडियो चल रहा है। वो वीडियो सबसे पहले आप लोग देख लो। तो ऐसा वीडियो एडिट करना यार आईफोन में तो काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बना के दे देता है, बट एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इम्पॉसिबल है। बट मैं हूं ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड्रॉयड मोबाइल में ऐसा एडिटिंग कैसे करते हैं। तो उससे पहले यार आप लोग को ये जो सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का दिख रहा है, इसको जल्दी से व्हाइट कलर का कर दो, ग्रे कलर कर दो, जो मन वो कर दो, बस दबा दो। ओके, तो आप लोग को इस वीडियो को एडिट करने के लिए VN ऐप का जरूरी पड़ेगा। तो आप लोग को VN ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो जो गाइज टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किए हो, वो ज्वाइन कर लो। उस पर हर एक तरह का मटेरियल मैं देते रहता हूँ अपना वीडियो से रिलेटेड। और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो जरूर कर लेना, यूजर्स नेम यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं डालते रहता हूँ, आप लोग को एक से एक अपडेट उस पर मिलते रहता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले VN ऐप को इंस्टॉल कर लेना और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन हो जाने के बाद इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको वो जो मैं वीडियो दूंगा टेलीग्राम पे, आप वो वीडियो को यहाँ से ले लेना। तो ये वीडियो ले लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये वीडियो आ गया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और जहाँ तक ये नंबरिंग रहता है वहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है इसका, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। ये स्प्लिट का ऑप्शन है कैची वाला, इस पर क्लिक करना है। अब एक और इसके बाद फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इसके बाद का एक और यहाँ पे है, इस यहाँ पे भी कट, मतलब जहाँ जहाँ पे ट्रांजेक्शन है वहाँ वहाँ पे आपको कट लगाना है। सो इतना कर लेने के बाद अब फिर से फर्स्ट वाला पे आ जाना है और यहाँ से आप लोग को ऑडियो ले लेना है। तो वो ऑडियो भी आप लोग को टेलीग्राम मेरा चैनल पर मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो ऑडियो आ गया है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके इधर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है और ये जो फर्स्ट आप लोग का फ़ोटो है इस पर क्लिक करना है। यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन है और आपका जो भी फ़ोटो हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार सारा फ़ोटो आप लोग को ऐड कर लेना है। ओके, तो मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। अब सेकेंड फ़ोटो ऐसे ही मैं ले लेता हूँ। ओके, सो सारा फ़ोटो मैंने ले लिया है। अब चार फोटो आप लोग को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला फ़ोटो पे आ जाना है और यहाँ फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। इसको ब्लैक एंड वाइट थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ब्लैक एंड वाइट वाला फ़िल्टर लगा देते हैं। एडजस्ट पे आएंगे, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर देंगे और यहाँ पर नीचे आप लोग को अप्लाई टू ऑल का एक ऑप्शन है डबल टिक का, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये देख सकते हो सारा जितना भी आपका चारों फ़ोटो है उसमें लग गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से फर्स्ट वाला फ़ोटो पे आ जाना है गाइज, और ये जो प्लस वाला यहाँ पे बटन है इस पर क्लिक करना है और जूम टू का इफेक्ट लगा देना है। अब जूम टू का ये वाला इफेक्ट लगाने के बाद अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब ये देख सकते हो सारा में ये लग गया है। अब फिर से फर्स्ट वाला फ़ोटो पे आना है। ओके, फर्स्ट वाला फ़ोटो पे फिर से आना है, इस पर क्लिक करना है और नीचे देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब आप लोग को थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को एक ये ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करना है, ये वाला इफेक्ट पे। और आप फोटो में देखो, फोटो वाला ये जो है इसको पूरा का पूरा जितना तक जाता है उतना तक इसको बढ़ा लेना है। उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। ओके, सो ये हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे जाना, राइट कॉर्नर के टॉप में, यहाँ पे जाने के बाद आप लोग एक्सपोर्ट कर लेना।